हेलो, मेरा नाम है विकी वर्मा, आप देख रहे हो विक्स का है। तो आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले के बारे में। तो आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने। उन्होंने कहा कि हम पर बिना किसी सबूत के आरोप लगाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ तभी जुबान में भारत को युद्ध की चेतावनी भी दे दी है। उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट बिना किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन हमने पहले जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि सऊदी प्रिंस के दौरे को लेकर हमारा ध्यान नहीं था, और अब जब प्रिंस क्राउन वापस चले गए हैं इसीलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भारत सरकार में हमें सबूत दे कि पुलवामा हमले में हमारा हाथ था, मैं खुद इस पर एक्शन लूँगा। उन्होंने कहा कि जब भी हम भारत के साथ बातचीत की बात करते हैं तो वो भारत कहता है कि पहले दहशतगर्दी ख़त्म करो। उन्होंने धमकी भरे अल्फाज में कहा कि अगर भारत हम पर हमला करेगा तो हम भी जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि युद्ध शुरू करना इंसान के हाथ में होता है, बट ख़त्म करना ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो आपके इस बारे में क्या रिव्यू है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब बात कर लेते हैं टी सीरीज वर्सेज प्यूडीपाई के बारे में। तो अभी इन दोनों के बीच में सब गैप 30,000 के आसपास है, जबकि पिछले कल 9,000 तक वापस आ गया था। तो कैरी मिनाटी भी अपने चैनल कैरीज लाइव में लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ टी सीरीज को भी सपोर्ट दिखा रहे थे। तो चलिए कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो राउंड टू हेल ने कंप्लीट कर दिए 6 मिलियन सब्सक्राइबर, और धर्मेंद्र कुमार ने कंप्लीट कर दिए 100K सब्सक्राइबर। तो बस यार, आज के लिए मेरे पास इतना ही न्यूज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।